तो ये आपके मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI वेरिएंट, ये बेस वेरिएंट सबको ऊपर वेरिएंट पर जाता है और एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ये बिकता है क्योंकि अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं और प्राइस भी रीजनेबली मुझे लगा। इसकी ऑन रोड आपको गुवाहाटी में पड़ जाएगी 11.2 लैक्स, सो प्राइस वाइज ठीक है। आप अपना शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑन रोड प्राइस वो सब बता दूँगा। सो ओवरऑल फ्रंट का आप लोग देख सकते हैं, बीच में थोड़ा सा आपको क्रोम यूजेज मिल जाएगा ग्रिल वो सब में, फॉग लैम्प्स वो सब नहीं आता, वो आप एक्सरे में लगवा सकते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिल जाएगा लो बीम के लिए, हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन मिल जाता है। इंडिकेटर्स भी हेलोजन है, थ्रो वो सब इज डिसेंट, आप थोड़ा अपग्रेड इसे ज़रूर करवा सकते हैं। यहाँ पे इसका आपको टोइंग हुक वो सब मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस इज ओवरऑल गुड, बॉनेट पे थोड़ा बहुत कच क्रीचेस वो सब दिया गया। सो एज कम्पेयर टू XL6 आपको थोड़ा मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा लुक वो सब, बट एटलीस्ट कैरेन से तो मुझे इसका लुक बेहतर ही यहाँ पे लगता है। सो इंजन की बात करें, इसका 1.5 K15C आपको इंजन मिल जाएगा, 4 सिलेंडर इंजन है, 105 BHP ऑफ पावर और 138 Nm के टॉर्क वो सब निकाल देते हैं। ओवरऑल इंजन रिलायबल है, रिफाइंड भी अच्छा मिल जाता है आपको और स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से माइलेज भी ओवरऑल इज गुड, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा सारी चीज़ें। प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, अंडर बॉडी आपको पार्शियल कवरिंग वो सब मिल जाएगी, बट पावर के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाता है एज़ कम्पेयर टू कैरेंस, और इसमें इंजन ऑप्शंस भी नहीं है ज़्यादा। कैरेंस में तो आपको टर्बो पेट्रोल डीजल वो सब मिल जाता है, बट यहाँ पे वो सब नहीं आ रहा। सो आप ज़रूर इस इंजन को ले सकते हैं, रिलायबल है, ज़्यादा आपको इशूज़ वो सब नहीं होगा यहाँ। सो ओवरऑल साइड का आप लुक देख सकते हैं, थोड़ा बेसिक लुक है, आपको ऐसे स्टील व्हील्स यहाँ पे मिल जाएंगे व्हील कैप के साथ। प्रोफाइल है 185/65 R15 इसके टायर से, और थोड़ा प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए था, काफ़ी एक्चुअली अंडर थाइज साइज डे मतलब टायर्स रखता है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, ग्राउंड क्लियरेंस ओवरऑल गुड। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, आपको रिमोट बटन से कार को लॉक अनलॉक वो सब करना होगा। LED इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ग्लास एरिया बहुत अच्छा है, मतलब मिडल सीट के लिए तो बहुत अच्छा आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा। रूफ रेल्स वो सब नहीं है, आपको नॉर्मल एंटीना यहाँ पे मिल जाता है। सो कैसा लगा आपको ओवरऑल साइड से लुक, आप जरूर कमेंट वो सब कर सकते हैं। सो ओवरऑल रियर का आप लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफॉगर्स वो सब नहीं मिलता, एटलीस्ट वो होना चाहिए था यहाँ पे, वो एक कॉस्ट कटिंग लगा। LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स वो सब आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैंडिंग, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड आ जाता है आपको पता होगा, फ्यूल एफिशिएंसी उससे थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कैमरा नहीं आता, हेलोजन लाइट्स फॉर नंबर प्लेट, 4 पार्किंग सेंसर्स, नीचे थोड़ा आपको रिफ्लेक्टर ट्रीटमेंट वो सब मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और ग्राउंड क्लियरेंस वो सब ठीक ठाक है। आपको टोइंग हुक भी नीचे मिल जाता है और एग्जैक्ट स्पेयर व्हील का साइज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। बूट स्पेस की बात करें, 210 लीटर का आपको यहाँ पे स्पेस वेस मिल जाता है, अच्छा बूट है, ऑलमोस्ट किया कैरेन जैसे आपको मिल जाएगा, और इसके नीचे आपको ऐसे कभी स्पेस थोड़ा बहुत मिल जाता है, सो कुछ सिक्योर करके रखना है यहाँ पे आप रख पाएंगे। बूट लाइट वो सब नहीं आता, यहाँ पे इसका टूल बॉक्स डल जाएगा और इन सीट्स को आप मतलब फ्लैट फोल्ड हो जाता है, उसके बाद अच्छी खासी स्पेस है, 650 लीटर से ऊपर स्पेस वेस बन जाता है, तो स्पेस के मामले में कोई भी इश्यूज नहीं है। इन्हें आप ऐसे रिक्लाइन वो सब भी कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप रिक्लाइन कैसा है। ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन, ये इसका मिनिमम रिक्लाइन, इतना कम रिक्लाइन पे तो कोई बैठेगा नहीं, सो अच्छा खासा है ओवरऑल रिक्लाइन वो सब है। सो थर्ड रो की बात करें, यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्चुअली स्पेस मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर पाएंगे। आपको पीछे कोई एमिनिटीज नहीं मिलता, ना ही चार्जिंग सॉकेट है, ना ही 12 वोल्ट का सॉकेट और ना ही AC वेंट्स यहाँ पे मिलता है, सो ये चीज़ों में कुछ पीछे रह जाती है एज कम्पेयर टू कैरेंस। और इसके AC की कूलिंग थोड़ा कम लगेगा आपको अगर ज़्यादा गर्मी में आप थर्ड रो में बैठते हैं तो, सो ये चीज़ थोड़ा दिया जा सकता था मारुति के द्वारा, वो मुझे मिसिंग लगा, बट ओवरऑल स्पेस कम्फर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। कैरेंस में और थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है, इसमें भी डिसेंट आप स्पेस वेस आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल रियर डोर का लुक, सो यहाँ पे सेम ऑल बेज ट्रीटमेंट और ग्लास एरिया देख सकते हैं, कमाल का एक्चुअली आपको ग्लास एरिया यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे पावर विंडो से कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे नीचे चले जाते हैं विंडोज़, बॉटल एरिया अच्छी खासी है, स्पीकर भी आपको मिल जाता है और ऐसे आपको फैब्रिक सीट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, इन्हें आप टंबल करना हो, रिक्लाइन करना, आगे पीछे सारी चीज़ें हो जाती है, सो अच्छा एडजस्टमेंट वो सब है, देख सकते हैं आप लीवर वो सब आपको मिल जाएगा। फैब्रिक सीट से ओवरऑल दे आर वेरी कंफर्टेबल, आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, बीच में आर्मरेस्ट भी है बट कप होल्डर्स वो सब नहीं आता। ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन, वो इसका मिनिमम रिक्लाइन, अच्छा कंफर्टेबल है, आप अंदर चलते हैं। सो लेग रूम की बात करें, यहाँ पे बढ़िया सा लेग रूम मिल रहा है मुझे, अंदर थे सपोर्ट ऑल्सो वेरी गुड, एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा, AC वेंट्स ये सब नीचे प्लेस नहीं है, आपको ऐसे टॉप माउंटेड AC वेंट्स वो सब मिल जाता है। ये एक्चुअली ब्लोअर्स है, सामने से हवा खींच के ये पीछे फेंक देता है, इसके लिए भी ऐसे 3 आपको सेटिंग्स वो सब मिल जाएंगे। कूलिंग वो सब इज़ गुड, यहाँ पे डैम्प्ड आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एक ऐसे हेलोजन लाइट वो भी दिया गया और इन चीज़ को आगे पीछे करना, रिक्लाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे मैगजीन होल्डर भी आपको एक मिल जाता है और सीट बेल्ट को आप हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते और इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 LR bags ही मिलते हैं। हेडरूम की बात करें, सो हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, रिक्लाइन वो सब काफ़ी ज़्यादा आप रिक्लाइन यहाँ पे कर पाएंगे, ग्लास एरिया भी बहुत अच्छा है,
सो एक्चुअली ना इस प्राइस पॉइंट पे कैरेंस और अर्टिका में बहुत अच्छा आपको स्पेस कंफर्ट वो सब मिल जाता है। कैरेंस थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है बट इसमें आपको ज़रूरत के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बस एक अगर यूएसबी वो सब होता तो और अच्छा होता, बस स्पेस इज गुड। सो आप फ्रंट में चलते हैं, तो ओवरऑल फ्रंट डोर का आप लुक देख सकते हैं। सो ऑल बेज आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, थोड़ा आपको मेंटेन करके रखना है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये गंदा वो सब हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा वही ब्राउन फिनिशिंग, ये सब भी हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो डाउन मिल जाता है अलॉन्ग विथ ऑटो अप, विच इज़ अ गुड थिंग। मिरर्स को आप इंटरनली फोल्ड है, सारी चीज़ें कर पाएंगे। थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट, अच्छी बॉटल स्पेस, टोटल आपको चार स्पीकर्स वो सब मिल जाता है। सो स्पीकर क्वालिटी इज़ डिसेंट, और इन सीट्स को आप हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, विच इज़ अ वेरी बिग कॉस्ट कटिंग। ये सब चीज़ें बेस वेरिएंट से ही होनी चाहिए थी। सारे टायर प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें, यस इसका फ्यूल लिड खोल पाएंगे, एग्जैक्ट कैपेसिटी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये इसका मैनुअल देख सकते हैं, प्रॉपर डेड पेडल आ जाता है। यहाँ पे कैसे कभी स्पेस आपको मिल जाएगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवल करना हो और ऐसे चाबी डाल के आपको कार स्टार्ट वार्ट करना है, सो वही लॉक कर पाएंगे और आप अनलॉक वो सब कर सकते हैं। सिंपल है चीज़ें, ये सब भी आपको हार्ड प्लास्टिक की मिल रहा है। यहाँ पे सीट्स की बात करें, वेरी कंफर्टेबल सीट्स, फुल फैब्रिक आपको मिल जाता है, बट ये एक्चुअली बहुत बेज है इसमें, सो थोड़ा आपको मतलब सीट कवर्स वो सब लगवाना होगा, और इनमें एयरबैग्स वो सब नहीं आते, सो नॉन एयरबैग कंप्लाइन सीट कवर्स भी आप इसमें लगवा सकते हैं। सो ये आप अंदर चलते हैं। सो ओवरऑल इंटीरियर का आप लुक देख सकते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी वो सब आपको डिसेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हर जगह हल प्लास्टिक ही है बट आपको थोड़ा डार्क मतलब ब्राउन बेज ऐसा थोड़ा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, वही कंटिन्यूस एसी वेंट ट्रीटमेंट। ये सब आपको थोड़ा स्क्रैची प्लास्टिक ही मिल जाता है, हैज़र्ड लाइट का बटन, और यहाँ पे आपको ऐसा 2D इन्फोटेनमेंट मिल जाता है, AM, FM, ब्लूटूथ वो सब मिल जाएगा, और पेन ड्राइव से भी आप गाने वो सब सुन सकते हैं। सिंपल है काफ़ी, चार स्पीकर्स मिल जाते हैं, क्वालिटी वो सब इज़ नॉट दैट ग्रेट बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। टच स्क्रीन वो सब दिया जा सकता था अकॉर्डिंग टू मी, जिस प्राइस पॉइंट पर यह कार आता है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB, एक ऑक्स दोनों मिल जाएगा, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और ऐसे कप होल्डर्स मिल जाते हैं जिनमें ब्लोअर्स भी है, सो सबका ड्रिंक्स वो सब ठंडा हो जाएगा। और मैनुअल AC VC है, AC की कूलिंग इज़ वेरी गुड। गियरबॉक्स की बात करें, 5-speed मैनुअल, अच्छा गियरबॉक्स है, आपको इसमें ऑटोमेटिक वो सब का ऑप्शन भी मिल जाएगा, काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग वो सब है, बट कैमरा नहीं आता, आपको बेसिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, उस सबको पता करने पीछे कोई कार वो सब है कि नहीं। ये सब लेदर ऐप आपको नहीं मिल रहा, नीचे वाला थोड़ा लेदर ऐप जरूर है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस, मैनुअल हैंडब्रेक, आर्मरेस वो सब नहीं आता, एक 12 वोल्ट का ऐसे आपको सॉकेट एक मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें, अच्छी स्पेस है, लाइट कूलिंग वो सब नहीं आ रहा, और इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हैलोजन लैंप्स, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है एक, और यहाँ पे टोल टिकट होल्डर मिल जाएगा। स्टेयरिंग की बात करें, सो फ्लैट बॉटम मिल जाएगा, पर लेदर ऐप वो सब कुछ नहीं है। सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, ऐसे कॉल काटना उठाना, ब्लूटूथ का ऑप्शंस, मैनुअल वाइपर्स, मैनुअल हेडलैम्प्स, और स्टेयरिंग को आप सिर्फ टिल के लिए एडजस्ट कर पाएंगे, नॉट फॉर टेलीस्कोपिक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, सो फुल्ली आपको एनालॉग वाला मिल रहा है। फोन्स वो सब एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, वहाँ पे फ्यूल लेवल, बीच में अच्छी खासी आपको ब्राइटनेस के साथ MID मिल जाएगी। तो देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, ट्रिप ए ट्रिप बी, इंटर्न यू से आपको चेंज करना है, और लेफ्ट वाले मतलब राइट वाले डंडी से आपको वही टाइम, ज़्यादातर ड्राइविंग टाइम फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ है। टोटल आइडल स्टॉप, क्लॉक, मोशन फोर्स का ग्राफ, टॉर्क पावर का ग्राफ, एक्सीलरेशन, ब्रेक, और आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, सो बैटरी वो सब कैसे चार्ज हो रहा है उसका भी एनिमेशन आपको मिल जाएगा। सिंपल चीज़ है बट मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, वो है TPMS, वो होना चाहिए था। बॉनेट आपको विजिबल नहीं होता, ए पिलर्स उतने ज़्यादा मोटे नहीं है, पैर वैर रखने के लिए बढ़िया आपको जगह मिल जाएगी, प्रॉपर डेड पेडल वो सब आ जाता है। सो अगर आपको अर्टिका लेना है ना, VXI वेरिएंट तक जाइए, अच्छे ज़रूरत के आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइस पॉइंट को भी उतना ज़्यादा रखा नहीं गया, सो ज़रूर इस वेरिएंट को देख सकते हैं। सो आप सेफ्टी की बात कर लेते हैं, सो सेफ्टी की बात करें, यहाँ पर आपको ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद डुअल एयरबैग्स वो सब मिल जाएगा, हिल होल्ड वो भी है, सेफ्टी फीचर्स आपको डिसेंट मिल जाते हैं, बट बेस वेरिएंट से मैं 6 एयरबैग्स वो सब एक्सपेक्ट कर रहा था। सो क्या देखते हैं क्या होता है मारुति में, ये सब चीज़ें अपडेट होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाएगा, पहले 3-star ग्लोबल एनकैप में ला चुकी है, अब शायद न्यू क्रेस्टेस के साथ उतना ज़्यादा स्कोर ये ना ला पाए। सो नॉट द बेस्ट सेफेस्ट कार बट कैरेंस वो सब में सेम ही आपको ऑलमोस्ट सेफ्टी मिल रहा है। सो इस सेगमेंट में ज़्यादा सेफ्टी वाले कार्स आपको नहीं मिलते, बट जिस मामले में ये आगे पहुंच जाती है कैरेंस वो सब से, वो इसका माइलेज, कम्फर्ट, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, वो सब कैरेंस से आपको बेहतर मिल जाएगा। कैरेंस में क्या बेहतर है, ओवरऑल स्पेस, इंटीरियर का फीचर्स, कंफर्ट, वो आपको कैरेंस में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, इंजन के ऑप्शंस भी वहाँ पे ज़्यादा है, बट यार ये एक्चुअली आर्टिका नाम से बिकती है और ज़्यादातर ये टैक्सी मार्केट में बिकता है ये कार। सो आप ज़रूर VXI वेरिएंट को देख सकते हैं। सो या मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलता है किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।